रायबरेली में दो सगे भाइयों ने मां पर हमला करने वाले युवक को लाठी से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। वहीं मृतक युवक के हमले में घायल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे मोती मजरे सोईठा का है, जहां मामूली कहासुनी के बाद कमलेश ने अपने ही गांव की रहने वाली महिला अनीता उम्र 45 वर्ष पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद महिला की बेटी ने फोन करके अपने भाइयों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे महिला के दोनों बेटे दीपक व दिव्यांशु ने अपनी घायल मां को देखकर आक्रोशित हो गए और कमलेश पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दोनों भाइयों के हमले में कमलेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर महिला के दोनों बेटे दीपक व दिव्यांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। अंतर्गत ग्राम पूरे मोती में कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को किसी ने पत्थर से मार के हत्या कर दी है। इस पे मौके पर आए तो कमलेश पुत्र कन्हई उम्र 40 वर्ष मृत अवस्था में मिला। सर पे चोट है और पता करने पे पता चला है कि दीपक पुत्र दुर्गा ने उसको फट्टे से लकड़ी के मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। तहरीर लिखवाई जा रही है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पंचनामा और फैसल बुलाकर अन्य कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मामला था जो है, किस कारण से हत्या हुई है, इसका कोई? अभी प्रथम दृष्टया मौके पर ही हम लोग आए हुए हैं। डिटेल अग्रिम कार्रवाई के बाद ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी किस कारण से हुई है। फिलहाल अभी तहरीर बन रही है, तहरीर के बाद बताया जा सकता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।